नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इस नए वित्त वर्ष में आयकर विभाग नए बदलाव ला रहा है। पहले आयकर भरने के लिए आयकर विभाग एक या दो फॉर्म उपलब्ध कराता था, लेकिन अब आयकर विभाग ने इसमें काफी परिवर्तन कर दिए हैं। अब आयकर विभाग एक नहीं बल्कि चार चार फॉर्म लेकर आ रहा है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। लेकिन समाचार एक्सप्रेस आपको पहले ही चौकन्ना कर रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2020 से भरे जाने वाले आयकर रिटर्न का आखिर प्रारूप क्या होगा, यह हम आपके बीच खुलासा करने जा रहे हैं। आयकर विभाग ने आयकर हासिल करने के लिए जो नए प्रारूप तैयार किए हैं, हम अब आपको उसका ब्यौरा भी दे देते हैं। 50 लाख रुपए तक की आय वाले आयकर दाता या फिर अन्य संसाधनों से आय हासिल करने वाले लोग अब ITR 1 फॉर्म भर सकेंगे। अब ITR 1 फॉर्म में आयकर दाताओं को अपना पासपोर्ट नंबर भरना जरूरी होगा। इसके अलावा यदि विदेश की यात्राओं पर 2 लाख से ऊपर का खर्चा कर रहे हैं तो आपको ITR 1 नहीं बल्कि दूसरा विस्तृत फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा आयकर विभाग ने इन फॉर्मों में और परिवर्तन करते हुए यह भी कहा है कि यदि किसी भी संपत्ति में आप संयुक्त मालिक हैं, तो भी आपको ITR 1 नहीं विस्तृत फॉर्म भरना होगा। बहुत सारे लोग रेंटल इनकम से कमाई करते हैं, इसलिए अब आपने जिस किराएदार को बिठाया है उसका पैन नंबर और आधार नंबर भी आपको भरना पड़ेगा। यदि आप किसी के पास नौकरी करते हैं तो उसके मालिक का 10 नंबर और कार्यालय का पता भी आपको देना पड़ेगा। यदि आप किसी कंपनी में निदेशक हैं या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपको ITR 1 नहीं बल्कि आपको विस्तृत रिटर्न फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। यह सब इस वित्त वर्ष में लागू हो जाएगा। इसके अलावा ITR फॉर्म में क्या बदलाव किए गए हैं, वह भी आपको बता देते हैं। ITR 4 सुगम फॉर्म में यदि आप 1 लाख से ऊपर का बिजली का बिल दे रहे हैं तो उसकी डिटेल आप इस फॉर्म में नहीं भर पाएंगे, इसके लिए आपको विस्तृत फॉर्म भरना होगा। यदि आपके चालू बैंक खाते में 1 करोड़ या उससे अधिक की रकम जमा हुई है तो आप उसकी डिटेल इस फॉर्म में नहीं दे पाएंगे, इसके लिए आपको विस्तृत फॉर्म भरना होगा। आप यदि किसी कंपनी में संयुक्त मालिक है तब भी आप यह फॉर्म नहीं भर सकते। छोटे छोटे करदाता, अपनी बुक अकाउंट मेंटेन करने वाले और कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस का ब्यौरा भी ITR 4 फॉर्म में देना होगा। इसके अलावा पूरे साल में आपने बिक्री में कितना कैश हासिल किया या फिर कितना कैश बैंक अकाउंट में डाला और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा, इसका ब्यौरा भी आपको देना होगा। आयकर दाताओं को आयकर विभाग ने कुछ रियायतें भी दी हैं, जिनमें क्लोजिंग स्टॉक का ब्यौरा देने पर छूट की गई है, आपने कितना लोन लिया है इससे भी छूट दी गई है, देनदारी और लेनदारी के ब्यौरे से भी छूट दी गई है। आप आयकर दाता हैं तो आप इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। समाचार एक्सप्रेस सबसे पहले आपको नए ब्यौरे की सूचना दे रहा है। आयकर विभाग में हुए नए बदलाव को लेकर समाचार एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हरीश चावला ने जिला कर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष तथा आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अरोड़ा से खास बात भी की। आइए जान लेते हैं कि वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अरोड़ा ने नए बदलाव को लेकर क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। आने वाला नया साल यानी कि 2020 आ चुका है और अब जो नया वित्त वर्ष आएगा यानी कि 31 मार्च के बाद जब 1 अप्रैल आएगी तो हमारे देश में जितने भी आयकर दाता हैं वो अपना अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन इस बार आयकर विभाग कुछ आयकर इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ बदलाव ला रहा है। हम उसकी जानकारी पहले आपको दे चुके हैं, हमारी एंकर के जरिए हमने आपको खबर में बताया जैसा कि, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए हमने जिला करबार एसोसिएशन करनाल के पूर्व अध्यक्ष और कई संस्थाओं से जुड़े हुए समाजसेवी हमने और जिला करबार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय अरोड़ा जी को आज हमने अपने स्टूडियो बुलाया है। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से आयकर विभाग जो है नई तब्दीलियां और चेंजिंग करने वाला है और आयकर विभाग से आयकर छूट से क्या मतलब की जा सकती है,
जो 2.5 लाख की है, क्या 3 लाख हो जाएगी, 3.5 लाख हो जाएगी, इनकी क्या आशा की जा सकती है, वो भी इनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे। तो संजय राणा जी, स्वागत है आपका हमारे समाचार एक्सप्रेस के स्टूडियो में। धन्यवाद चावला जी। किस तरह की चेंजिंग आ रही है आयकर विभाग में, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए जरा विस्तार से। जैसा कि पिछले दिनों आयकर विभाग ने जी आयकर रिटर्न के फॉर्मों में कुछ चेंजेस की है जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है जी। विभाग ने एक तो इस बार सबसे पहले जी आयकर रिटर्न को नोटिफाई कर दिया है बहुत समय से पहले। हालांकि ये फॉर्म 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे जी, निर्धारण वर्ष 2020-21 की आयकर विवरणी के लिए जी। लेकिन डिपार्टमेंट जो कि पिछले कई साल से इस बारे में डिपार्टमेंट की आलोचना भी होती रही है कि डिपार्टमेंट फॉर्म लेट नोटिफाई करता है जी, जिससे कि पेशेवरों को और करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है जी। लेकिन इस बार विभाग बधाई का पात्र है, उन्होंने समय रहते ही 2 महत्वपूर्ण फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं, पहले समय से पहले समय से लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने पहले जी। तो संजय अरोड़ा जी, पहले हम जैसे दूसरे भी आयकर दाता किस तरह का फॉर्म भरते थे, एक तरह का फॉर्म भरते थे? अभी जो नए फॉर्म नोटिफाई हुए हैं जी, एक तो है ITR 1 फॉर्म सहज, जिसमें कि एक सहज फॉर्म है, जैसा कि नाम से है, एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें कि आयकर दाताओं को अपनी विवरण देना होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। इस बार जो करदाता 50 लाख तक की आय अर्जित करते हैं वर्ष में, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं जी। लेकिन अब इसमें अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको पासपोर्ट का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा, पहले नहीं था, जो कि पहले नहीं था ठीक। इस फॉर्म में अगर आपकी व्यापार या पेशे से आय के अलावा बाकी स्रोतों से आय है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं ठीक है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि अब अगर आप विदेश यात्रा पर अपने पर या अपने साथ किसी व्यक्ति पर वर्ष में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं एक साल में तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना होगा, आपको अन्य विस्तृत फॉर्म भरना होगा, यानी कि उसका इसका जो ब्यौरा है वो दूसरे फॉर्म में जी, जी विस्तृत में जी विस्तृत फॉर्म में आपको ब्यौरा देना होगा। लेकिन पहले आप ये सहज फॉर्म में भर सकते थे ठीक है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण चेंज ये है कि अगर आप वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली का बिल भरते हैं तो भी आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको विस्तृत फॉर्म भरना होगा ठीक जी। और इसके अलावा जो लोग भारी भरकम किराया वसूल करते हैं जी, वो उसका कोई ब्यौरा जी जी, किराएदारों से प्राप्त आय में भी कुछ चेंजेस किए गए इस फॉर्म में। जैसा कि जिस व्यक्ति के पास एक ही संपत्ति होती थी और उससे वो किराए की आय अर्जित करता था तो वो ITR 1 फॉर्म भर सकता था ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी में ज्वाइंट ओनर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, आपको विस्तृत फॉर्म भरना होगा। दूसरा, अगर आपका किराएदार है और आपको उस किराएदार का पैन नंबर और आधार नंबर इसमें भरना जरूरी कर दिया गया है, जो कि पहले जरूरी नहीं था ठीक है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी में है या जो प्राइवेट जो प्राइवेटाइजेशन निजी कंपनी में नौकरी करते हैं उसमें भी कोई बदलाव हुआ जी? उसमें भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि पहले आपको सिर्फ अपने आय के साधन, आप PSU में एम्प्लॉयड हैं, आप सरकारी विभाग में एम्प्लॉयड हैं या आप प्राइवेट विभाग में एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये ब्यौरा देना होता था। लेकिन इस बार एक चेंज ये किया गया है कि आपको अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर और उसके कार्यालय का पता भी आपको इसमें दर्शाना होगा। पैन और होता है, टैन होता जी, है। पैन नंबर और होता है और टैन नंबर और होता है। टैन नंबर मतलब टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ठीक, वो आपको ब्यौरा देना होगा ठीक है। इसके अलावा आप एक फॉर्म और की बात करते हैं ITR 4 की, इसके अतिरिक्त एक और दूसरा फॉर्म ITR 4 सहज सुगम ITR 4 सुगम फॉर्म भी नोटिफाई कर दिया गया है समय से पहले। ये फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए होता है कि जिनकी व्यापार और पेशे से भी आय है और 50 लाख तक की आय अर्जित करते हैं एक वर्ष में ठीक, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, ये उनके लिए होता है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं इस बार सरकार के द्वारा। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो पासपोर्ट
और बिजली के बिल से संबंधित चेंजेस हैं वो आईटीआर 1 की तरह ही इस पर भी लागू होते हैं। जी, वो प्रावधान इस पर भी लागू होगा। दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चेंज है कि आपको आईटीआर 4 फॉर्म में जो कि आयकर दाता 44AD और 44AE के तहत एक अनुमानित आधार पर अपनी आय दर्शाकर रिटर्न भरते थे, उनके केस में अब कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने कितना कैश बैंक में जमा कराया, बिक्री से कितना प्राप्त किया कैश, उसका ब्यौरा भी देना होगा और वर्ष के अंत में आपके पास क्या बकाया रहा बैंक में और आपके हाथ में कैश इन हैंड, उसका भी ब्यौरा आपको इस फॉर्म में भरना होगा। यानी सीधी सीधी से जरूरत जी कहने का मतलब ये है आपका भाव कि आयकर विभाग का शिकंजा थोड़ा और कसा जाए। अच्छा, कोई सहूलियतें भी दी हैं जी? आप इसको इस तरह से देखते हैं शिकंजा कसने के, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी जी, आपको एक पारदर्शिता रखनी होगी अपनी आय में और अपनी बिक्री में। यानी कि जो बिक्री सेल परचेज जो बड़ी बड़ी कमाई करने वाले हैं जो थोड़ी बहुत आय छुपा लेते हैं अब मुश्किल हो जाएगा। अब छुपाना मुश्किल हो जाएगा। बैंकों का हिसाब किताब, करंट अकाउंट का, चालू खाते का, आपके बैंक अकाउंट में कितना क्लोजिंग में है, कितना आपका ओपनिंग है, वो ब्यौरा देने का मतलब संजय अरोड़ा जी होगा कि आयकर विभाग को अब नए खाते धारकों को भी पता लग जाएगा भाई जो इनकम कुछ ज्यादा रेज कर रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, आप भी जैसे कि एक और महत्वपूर्ण चेंज हुआ है इसमें, अगर आप वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक में लेन देन करते हैं अपने चालू खाते में तो भी आप ये सुगम वाला फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अच्छा, नहीं भर पाएंगे जी, आपको विस्तृत फॉर्म भरना होगा जी। तो इसमें आप छूट भी है, कुछ छूट क्या दी है? देखिये, अभी तक जो पिछली छूट है वो तो 2.5 लाख रुपए ही है किसी व्यक्ति के लिए, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख तक है तो उसको 87A में छूट दी गई है, उसको कोई टैक्स नहीं भरना होगा। अच्छा जी, अगर आपकी आय 5 लाख से ज्यादा है तो आपको वो छूट प्राप्त नहीं होगी जी। तो इसमें इसके अलावा जो आपके पास जो नई डिटेल अभी आ गई आयकर विभाग की, जो कुछ फार्मों में कुछ दखलंदाजी थी जैसे आपने नई चीजें बताई हैं वो आपने जैसे बताई, इसके अलावा कोई लोन पे जैसे क्लोजिंग स्टॉक पे या देनदारी लेनदारी इसमें भी कोई छूट दी गई कुछ? जी, इस बार एक महत्वपूर्ण चेंज किया गया है जिसमें व्यापारियों को थोड़ी छूट ये दी गई है कि पहले आईटीआर 4 सुगम फार्म में आपको क्लोजिंग स्टॉक और आपको सन्ड्री डेटर्स की डिटेल भी भरनी होती थी, अनसिक्योर लोन की डिटेल भरनी होती थी, लेकिन इस बार इन चारों मदों में आपको कुछ नहीं दिखाना है, इनको दिखाना जरूरी नहीं है। इसके अलावा इसमें रियायत दी गई है। इसके अलावा आपको ब्यौरे के ऊपर कोई डिटेल? ब्यौरा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको एक तो आपको कैश का ब्यौरा देना है कि साल के दौरान आपने कैश कितना प्राप्त किया, कितना बैंक खाते से निकाला और आपके कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस देना जरूरी है। ये तो सीधे सीधे अरोड़ा जी ऐसे लगता है कि आयकर विभाग अगर 2.5 लाख की छूट दे रहा है या हो सकता है कि गवर्नमेंट इस छूट को आने वाले वित्त वर्ष में शायद बढ़ा दे, लेकिन मेरे को लगता है कि साथ ही साथ नए आयकर दाताओं की पहचान करने के लिए मुझे लग रहा है कि आभास हो रहा है कि इस तरह की कुछ कठिन शर्तें मुझे कठिन लग रही हैं, कुछ कठिन शर्तें भी रख दी गई हैं, जैसे आपके करंट अकाउंट में ज्यादातर लोग करंट अकाउंट यूज करते हैं, सेविंग बहुत कम खासतौर पर बिजनेसमैन करता है, करंट अकाउंट जो होता है वो आम लोगों से जुड़ा होता है। दूसरी, यदि साल में आपने संजय जी बताया 1 लाख करोड़ तो कई मध्यम वर्ग ऐसे हैं जिनका शायद 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का बिल भी जरूर आता होगा, क्योंकि खासतौर पर गर्मियों में जब एसी चलते हैं घर के अंदर, हर मध्यम वर्ग में लगभग एसी लगा हुआ है और जैसे अब की सर्दियां लग रही है तो हीटर भी और गीजर वगैरह दोनों ही चलते हैं, तो ऐसे में 6-7 हजार से लेकर 10 हजार रुपए तक का बिल आ ही जाता है अनुमानता है। हो सकता है ये बिल जो है बड़े, अब ये पहचान भी हो जाएगी कि ये इन लोगों को ब्यौरा देना होगा, फिर सरकार वो ब्यौरा भी मांग लेगी कि अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक या 1 लाख रुपए साल का बिजली का बिल भर रहे हैं, आखिर आप इतना बिल कैसे भर रहे हैं और ये आपके पास कमाई कैसे आ रही है, ये यानी कि आयकर विभाग का एक तरह से शिकंजा है। अगर आयकर विभाग आपको कुछ छूट देने जा रहा है
तो आपके ऊपर शिकंजा भी कस रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आयकर विभाग देश के अंदर नए आयकर दाताओं की पहचान के लिए इस फार्म के अंदर जो नई तब्दीली या जो नए परिवर्तन ला रहा है, शायद ये उसी कारण लगता है। संजय अरोड़ा जी ने नए आयकर विभाग में हुए नए आयकर नियमों में जो बदलाव हुए, नई चेंजिंग जो नए वित्त वर्ष में लगेगी, उसका इन्होंने ब्यौरा दिया। समाचार एक्सप्रेस इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपका फिर से संजय अरोड़ा जी स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।